वेलकम गाइस, मैं हूँ समीर। आप सबका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल कॉमर्स की वाणी में। दिस वीडियो इज प्रोबेबली द लास्ट इन आर सेगमेंट जहाँ पे हमने सी एस एग्जीक्यूटिव जून 2019 का एग्जाम का क्वेश्चन सोल्यूशन करने का कोशिश किया था। और ये सिक्वेंशियली अगर देखें तो ये हमारा फोर्थ वीडियो ऑन स्ट्रेटेजिक एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट विच इज द लास्ट वन। और ये जो वीडियो है इसमें हम जो रिमेनिंग हमारा जो क्वेश्चन था उसी को लेकर डिस्कशन करेंगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट टू ऑल ऑफ यू जो कि ये वीडियो देख रहे हैं, सबके लिए एक अनाउंसमेंट है कि ये वीडियो ख़त्म होने के बाद, जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं विच विल बी ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल ऑफ यू। सो जितने लोग, जितने बच्चे सी एस एग्जीक्यूटिव 2019 का दिसंबर अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं अकाउंट्स जो अपना कॉरपोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है प्लस जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो पेपर है आपका, उसका ऑनलाइन क्लासेस में स्टार्ट करने वाला हूँ। सून द वीडियो विल बी पोस्टेड। सो जितने जन सब्सक्राइब किए हैं प्लीज़ सब्सक्रिप्शन के साथ आप नोटिफिकेशन को क्लिक करना मत भूलें, क्योंकि एज सून एज माई वीडियो विल बी पोस्टेड नोटिफिकेशन विल कम टू यू। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं उन लोगों के लिए एक ही बात मैं बोल सकता हूँ, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और ये जो भी वीडियोस मैं करने वाला हूँ, जो भी क्लासेस का जो वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ, इट विल बी ऑब्वियसली फॉर यू गाइस। अगर आप लोग इसे देखेंगे, आई होप आप लोगों का एग्ज़ाम प्रिपरेशन में बहुत ही हेल्पफुल होगा। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि दिसंबर का एग्ज़ाम जो है वो हमारा एमसीक्यू पैटर्न होने वाला है, सो विल कीप दैट इन माइंड ऑल्सो। हम कंसेप्ट वाइज भी सारा डिस्कशन करेंगे यहाँ पे, एमसीक्यू का गाइडलाइन भी दूंगा, एमसीक्यू का क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करने वाला है। एंड रिपीटेडली आई एम सेइंग दिस कि ये जो वीडियोस, ये जो क्लासेस होंगे, दिस क्लासेस विल बी कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू। सो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें, सो दैट जब भी मेरा वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो के बारे में। ये जो वीडियो है हमारा स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो एग्जीक्यूटिव का जो एग्जाम पेपर था दिसंबर जून 2019 का, सॉरी, उसका ये लास्ट वीडियो होगा जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा मेन क्वेश्चन अभी बाकी था उसका सोल्यूशन हम लोग करेंगे। ओके, ये स्पीकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि इसका अल्टरनेटिव हम लोग कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में अगर हम बात करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन थे फ्रीक्वेंटली। वो लोगों ने क्या किया कि ICSI जो है आपका, उन्होंने क्या किया कि पूरा फोकस रखा, बहुत सारे चैप्टर्स यहाँ पे कवर किए, 3-3 मार्क ऐसे देखने में ये बहुत ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन अगर 3 मार्क करके यहाँ पे क्वेश्चंस आपको पूछे हैं 5, तो टोटल है 15 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन है। ये बहुत इजी था, येट अ बिट टेक्निकल, हम लोग सारा चीज़ यहाँ पे बात करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 2A के साथ। बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन है, ये इजीएस्ट इन द लॉट था। क्वेश्चन नंबर 2 में जो 5 क्वेश्चन थे उसमें से सबसे इजी वाला यही था। ओके, पढ़ते हैं। इक्विटी शेयर्स ऑफ YMC कॉर्पोरेशन हैज ए बीटा, ओके, बीटा है 1.4, रिस्क फ्री रेट जो RF है इज 9%, मार्केट रिटर्न जो है जिसको हम RM डिनोट करते हैं वो 21% है। डिटरमाइन द रिस्क प्रीमियम, क्या लिखा है यहाँ पे, रिस्क प्रीमियम को फाइंड करो। ओके, अगर आप रिस्क प्रीमियम का बात करेंगे, रिस्क प्रीमियम इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन RM एंड RF, ओके, ऑन इट्स इक्विटी शेयर्स। फर्दर डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूजिंग द सूटेबल मॉडल। अरे सर, जब बीटा दे दिया, जब RF दे दिया, जब RM दे दिया, तो सूटेबल मॉडल क्या हो सकता है? कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, जिसको हम CAPM बोलते हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। अगर आप सोल्यूशन देखें, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, 2 लाइन 3 लाइन लिखने के लिए 3 मार्क का है। CAPM मॉडल यूज करना है हमको, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर है ये। कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर आप देखोगे, RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। आप अगर दो दो चीज़ें आपको पूछा है, एक
कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी कैलकुलेट करना है, दूसरा रिस्क प्रीमियम भी कैलकुलेट करना है। ओके, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए ये फॉर्मूलाज का सारे जो डिनोमिनेशन हैं वो दिए हुए हैं क्वेश्चन में। अकॉर्डिंगली वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया तो दैट्स कमिंग 25.8%। और अगर आप रिस्क प्रीमियम का बात करेंगे तो रिस्क प्रीमियम हो जाएगा आरएम माइनस आरएफ, जो कि दिया हुआ है ऑब्वियसली क्वेश्चन में, 21 - 9 = 12%। सो आप अगर क्वेश्चन नंबर 2A का बात करेंगे, दिस वॉज इट, ये क्वेश्चन नंबर 2A था। आई होप आप लोग को ये इजी पढ़ रहा है, क्योंकि कोशिश यही है हमेशा कि कंसेप्ट्स को ज़्यादा इजी करके बता पाऊँ, क्योंकि एग्जाम क्वेश्चन हैं जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं उनके लिए क्वेश्चंस का सलूशन मैं कर रहा हूँ। सो आई एम कीपिंग इट इन माइंड कि जो भी बच्चे ये वीडियोस देख रहे हैं फॉर द सोल पर्पज ऑफ सॉल्विंग या कमिंग टू नो वॉट एवर द सोल्यूशंस जो कि हमारा एग्जाम में आए थे क्वेश्चन में, उनके लिए बेनिफिशियल हो रहा है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम क्वेश्चन नंबर 2B का बात करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 2B जो है ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का है। अगर आपको याद होगा कल हमने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का भी एक क्वेश्चन किया था 7 मार्क का, आई गेस यू ऑल रिमेंबर दिस, 7 मार्क का वहां था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ एक आया, और एक इसमें और एक क्वेश्चन भी है लास्ट पॉइंट, ये भी 3 मार्क का है। तो राउंड अबाउट देखिए 13 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन सिर्फ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से पूरे पेपर में है। चलो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक चीज सबको मेरा सजेशन हमेशा रहेगा, और मैंने अर्लियर वीडियोस में भी यही बोला है कि जब भी आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, जब आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, तो आपका मेन काम पहले क्या है, डेटा को नोट करो, डेटा हमेशा नोट रहना चाहिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। एन इन्वेस्टर इज सीकिंग एन एफिशिएंट पोर्टफोलियो विथ ए कोरिलेशन ऑफ 0.7 बिटवीन पोर्टफोलियो, जो कि शेयर के बारे में बोल रहा है, एंड द मार्केट। ओके, तो अगर आप ध्यान देंगे, डिनोमिनेशन में चालू कर रहा हूँ, क्वेश्चन एक एक पढ़ के जा रहे हैं और डिनोमिनेशन साथ साथ में आ रहे हैं। सी, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, कोरिलेशन है RSM जिसे बोलते हैं, सिक्योरिटी एंड मार्केट के बीच में जो कोरिलेशन है वो 0.7% दिया हुआ है, 0.7 दिया हुआ है, एंड ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2.5%। सो नेसेसरीली दिस 2.5% का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो शेयर के बारे में बात करें, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द एसेट। ओके, 2.5% आ गया। मार्केट स्टैंडर्ड डेविएशन M जिसे बोलते हैं वो 1.4% दिया हुआ है। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। बोला उसके बाद के एंड द मार्केट रेट ऑफ रिटर्न विच इज RM दिया हुआ है 16% का। चलो ठीक है, 16% का RM है। उसके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बोला है, क्या बोला है, अ रेट, कौन सा रेट, ये RM के बारे में बोल रहा है, 16% जो है इट इज अ रेट दैट इज डबल द रिटर्न ऑन रिस्क फ्री सिक्योरिटीज। तो रिस्क फ्री सिक्योरिटीज का RF जिसे हम बोलते हैं, RF जितना भी है उससे डबल है 16% जो कि RM है। सो ऑब्वियसली इट इज अ हिंट गिवन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ RF ओनली, RF 16% का आधा होना चाहिए 8%। आई होप सबको ये समझ में आया है। तो हमारा अगर क्वेश्चन में देखेंगे, हमको क्या क्या अभी तक मिल गया है, RF मिल गया, RM मिल गया, ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन एफ, स्टैंडर्ड डेविएशन ए मिल गया, स्टैंडर्ड डेविएशन एस मिल गया, RSM भी मिल चुका है। ओके, क्वेश्चन में पूछा क्या, क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बीइंग सॉट बाय द इन्वेस्टर, आपका रिटर्न कितना है? अगर आप मतलब ध्यान दें, पोर्टफोलियो जो चैप्टर है आपका, डिटेल एनालिसिस आगे वाले आने वाले वीडियोस में होंगे ही, सो आप अगर ध्यान दें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का चैप्टर का, उसमें जो रिटर्न का कैलकुलेशन है कैसे करते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। अच्छा, बहुत सारे मेथड्स में से जब रिटर्न का कैलकुलेशन होता है उसमें से एक मेथड CAPM का भी है। ओके, तो एज एन इन्वेस्टर आप अपना रिटर्न जब रिक्वायर्ड जो आपका है वो जब एस्टिमेट करोगे, इस क्वेश्चन में मैं CAPM का बात कर रहा हूँ क्योंकि और कोई अल्टरनेटिव है नहीं, आपको RF दिया, आपको RM दिया। ओके सर, तो कहीं ना कहीं CAPM वाला यूज होगा। तो मैंने यहाँ पे नोट में क्या लिखा, आपको देखिए, ये जो रिटर्न ऑफ मार्केट है, रिटर्न ऑफ रिस्क फ्री रिटर्न जो है वो आ गया आपका, एक्सपेक्टेड रिटर्न जो होता है वो आपको कैलकुलेट करना है, और वो CAPM हो सकता है। यहाँ पे रिटर्न ऑफ सिक्योरिटीज जो है वही आपको कैलकुलेट करना है, वही हमको
वही क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क करके दिया है। ओके सी, अगर आप सीएपीएम का फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे, आरएफ प्लस बीटा इंटू आरएम माइनस आरएफ, सर सब तो समझ में आ गया, आरएफ है आरएम भी है, तो बीटा तो नहीं है ना, तो बीटा नहीं है तो दिस इज द क्वेश्चन। बीटा को पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, बीटा ऑफ द सिक्योरिटी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो बीटा ऑफ द सिक्योरिटी कैलकुलेट करने के लिए भी बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, और अगर आप बात करेंगे कि फॉर्मूलाज के बारे में, ये तो डिटेल तो हमारे आने वाले क्लासेस में होंगे, लेकिन यहाँ पे अगर बात करेंगे कि कोरिलेशन दिया हुआ है, तो बीटा कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ दैट कोरिलेशन वाला फॉर्मूला। तो कोरिलेशन फॉर्मूला में अगर आप बीटा को यूज करोगे, बीटा इज इक्वल टू कोरिलेशन ऑफ द सिक्योरिटी एंड मार्केट, आरएसएम इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, एंड एवरीथिंग हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन। तो कितना इजी पड़ गया क्वेश्चन। अगर आप ये जो डेटा है, ये तो आप अपने लिए, अपना नोट के लिए आपने किया। अगर फेयर सॉल्यूशन देखेंगे तो एक रिटर्न का कैलकुलेशन है, एक बीटा का कैलकुलेशन, मुश्किल से 4-5 लाइन का कैलकुलेशन है। ओके, तो बीटा कैलकुलेट हो गया 1.25। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं, बीटा को यहाँ पे पुट किया हमने और बाकी सारे इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं, सो हमारा जो आंसर है वो आ चुका है, और आंसर है आपका 18% का। तो अगर आंसर आप 18% का आपको अगर मिल गया, यही आपको क्वेश्चन में पूछा था। ओके, कि आपको पूछा व्हाट इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बीइंग सॉट बाय द इन्वेस्टर, सो गिवन सिनेरियोस में ये जो सारे आरएम स्टैंडर्ड डेविएशन व्हाट एवर द इंफॉर्मेशन गिवन, इन दोस गिवन सिनेरियोस मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना होना चाहिए, वो सीएपीएम को यूज करके हमने निकाला 18% का। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मूविंग फॉरवर्ड हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अवर टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ये एकदम मतलब ये एग्जीक्यूटिव में आना ही नहीं चाहिए ऐसा क्वेश्चन, बट स्टिल आपके लिए ये एकदम इजी पिकिंग जैसे बोलते हैं वही है। ईओक्यू का क्वेश्चन है, और ईओक्यू और रीऑर्डर लेवल ये दोनों आपको कैलकुलेट करना है। ओके, सो अगर आप ईओक्यू के बारे में बात करेंगे, ईओक्यू क्या है, ईओक्यू जो है ये हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट चैप्टर का क्वेश्चन है। ईओक्यू क्या है, 2 इंटू एनुअल कंजम्पशन इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइड बाय स्टोरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, पर यूनिट पर एनम, ये चीज याद रहे सबको, पर यूनिट एंड पर एनम होना चाहिए वो, यही पे ट्रिक है। ओके, इस क्वेश्चन में ठीक है सर, हमेशा क्वेश्चन में आपको ये चीज देखना है। तो हमको एनुअल कंजम्पशन चाहिए। ए प्रोडक्ट रिक्वायर्स 40 टाइप्स ऑफ मटीरियल एवरी डे, ठीक, अब फिक्स्ड कॉस्ट 50 पर ऑर्डर, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट फॉर ईच मटीरियल, ये जो मटीरियल चाहिए था इस मटीरियल को स्टोर करने के लिए कैरिंग कॉस्ट जो है 0.02, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पर डे है। ओके, तो हमको क्या करना है, हमको चाहिए स्टोरिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, पर यूनिट तो है ये 0.02, लेकिन पर एनम चाहिए, ये पर डे दिया हुआ है। दिस इज द मेन थिंग जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना था। ओके, लीड पीरियड जो लीड टाइम दिया वो 50 डेज का दिया, एज्यूम 365 डेज इन ईयर, ठीक है, ईओक्यू कैलकुलेट करो और आपको ईओक्यू इसमें कैलकुलेट करना है और रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करना है। मूविंग फॉरवर्ड अगर आप देखेंगे क्या किया मैंने, एनुअल कंजम्पशन पहले आपको एक दिन में 40 चाहिए, आपका पूरा जो डेज है वो 365 है, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एनुअल कंजम्पशन यहाँ से आएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया हुआ है, स्टोरिंग कॉस्ट 0.02 पर यूनिट पर डे है, पर यूनिट पर एनम चाहिए 365, जस्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके साथ, तो जो आ रहा है वो 447 यूनिट्स अप्रॉक्स है। इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी, दैट क्वांटिटी शुड बी ऑर्डर्ड पर ऑर्डर जो हमको ज्यादा इकोनॉमिकल पड़े, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम रहे और आपका जो स्टोरिंग कॉस्ट भी कम रहे, बराबर रहे, यही हमारा ईओक्यू का कंसेप्ट है। ओके, अगर आप रीऑर्डरिंग लेवल के बारे में बात करेंगे, रीऑर्डरिंग लेवल में हम कैसे करते हैं, नॉर्मल कंजम्पशन पर डे इनटू नॉर्मल लीड टाइम, सो नॉर्मल कंजम्पशन पर डे का मतलब क्या हो गया, पर डे का तो दिया हुआ है 40 पर डे, ठीक है, इनटू नॉर्मल लीड टाइम 50, मल्टीप्लाई करेंगे 2000 यूनिट्स आ जाएगा। अब ये जो नॉर्मल कंजम्पशन पर डे है ये हमको कैसे पता चला,
इसको आप क्रॉस चेक करके भी कर सकते हैं। नॉर्मल कंजम्पशन वैसे भी 40 करके दिया हुआ, आप ऐसे भी निकालोगे तो 40 आएगा। एनुअल कंजम्पशन बाय नॉर्मल वर्किंग डेज करेंगे तो 40 आ जाएगा। सो दिस वाज योर क्वेश्चन, एकदम डैम इजी, और इसमें और कुछ टेक्निकलिटीज नहीं था, बस स्टोरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम को लेके बात था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2C, लास्ट क्वेश्चन हमारा पेंडिंग है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इनफैक्ट, और अगर क्वेश्चन नंबर डी को देखेंगे आप तो इसमें अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कैपिटल विजिटिंग का क्वेश्चन है। ARR कैलकुलेट करना है, 5 साल का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स 2 मशीन्स का अलग अलग दिया हुआ है। नीचे लिखा मशीन हैज टू बी रिटर्न ऑफ ओवर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स बाय स्ट्रेट लाइन मेथड, मीनिंग दिस। क्यों ऐसा? डेप्रिशिएशन कैलकुलेट ऑलरेडी हो चुका है, कैश फ्लो आफ्टर टैक्सेस बोले, ठीक है। आप अगर ARR का कैलकुलेशन करोगे तो ARR का फॉर्मूला क्या हो जाता है? एवरेज नेट इनकम आफ्टर टैक्सेस, और उसमें क्या करते हैं हम, एवरेज इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करते हैं। बट यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो क्या है कि दो पैटर्न है ARR कैलकुलेट करने का। एक एवरेज इन्वेस्टमेंट हम यूज कर सकते हैं, एक ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट यूज कर सकते हैं। मेरा क्वेश्चन में हमने ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट यूज किया, तो दोनों कोई भी करता है ना, दोनों में से कोई एक तो गलत नहीं है। एवरेज इन्वेस्टमेंट में जस्ट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है, तो वो एवरेज इन्वेस्टमेंट हो जाता है। और ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट मतलब जितने का कॉस्ट है उतने का। सो इन आवर सॉल्यूशन हम लोग ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट पे फोकस करेंगे। ओके सो अगर आप बात करेंगे एवरेज नेट इनकम आफ्टर टैक्सेस, तो आपको पहले एवरेज इनकम निकालना पड़ेगा। आफ्टर टैक्सेस दिए हुए 5 साल का है, ये जो टोटल है ये टोटल को हम ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, एवरेज इनकम ए का निकल जाएगा। इसको टोटल करेंगे, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, एवरेज इनकम बी का निकल जाएगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट या ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट जो हम बात कर रहे हैं वो दिया हुआ है क्वेश्चन में, बस क्वेश्चन इज रेडी। ओके सॉल्यूशन इज रेडी। सो वही किया यहाँ पे हमने, एवरेज नेट इनकम हमारा निकाला, 5 में डिवाइड किया 5 ईयर्स में। एवरेज नेट इनकम 29,750 है, 87,500 दोनों केस में। आपका जो था वो ओरिजिनल कॉस्ट था, इंटू 100 किए तो 34.36% है। बट क्वेश्चन में बच्चे ये चीज को भूल जाते हैं, रैंक द मशीन अकॉर्डिंगली, रैंक द मशीन अकॉर्डिंगली। तो आपको ये रैंकिंग के ऊपर भी बात करके रखना, मतलब जब भी आप सॉल्यूशन इसका करो। मैंने तो यहाँ पे आपका क्या किया है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन किया है, मतलब ARR कैलकुलेट हो गया। तो दिस इज नॉट द एंड ऑफ द क्वेश्चन, आपको डिसीजन उसके लास्ट में जाके देना है ARR का कंसेप्ट यूज करके। ओके सो ये हमारा क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2D। एंड मूविंग फॉरवर्ड हम अपना लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर ई है, अगेन पोर्टफोलियो का क्वेश्चन। आप अगर ध्यान दोगे पोर्टफोलियो का जो 3 क्वेश्चन है ना कहीं तीनों का पैटर्न एकदम सेम है, तीनों का पैटर्न वही CAPM के अंदर ही घूम रहा है सारा। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को, क्या क्या लिखा है यहाँ पे, और PM का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का क्या तरीका है, हमने क्या डिस्कस किया था, हम जब भी पढ़ेंगे नोट करेंगे साथ साथ। पहला बोला आप, अच्छा पहले यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ ए पोर्टफोलियो, कहीं ना कहीं हमको रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। ओके सर कोई दिक्कत नहीं है, पिछला क्वेश्चन भी ऐसे ही था, ठीक है। RF दिया है, मैं यहाँ पे नोट करना चालू किया, RF इज 10%। ओके सर एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो, मतलब मार्केट का रिटर्न भी दिया हुआ, RM भी दिया 20%, ठीक है सर। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एन एसेट, मतलब ये सिक्योरिटी के बारे में बोल रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन S, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सिक्योरिटी इज 3%, डन। मार्केट स्टैंडर्ड डेविएशन 2.8, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन M जिसे बोलते हैं, मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन वो 2.8%। ओके कोरिलेशन ऑफ द पोर्टफोलियो, मतलब सिक्योरिटी एंड मार्केट का जो कोरिलेशन है RSM है वो भी दिया हुआ क्वेश्चन में। आपको नहीं लगता इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं सेम है, इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं सेम है, बस चीजों को थोड़ा सा अलग से आपको देने का कोशिश किया। ओके सो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न अगेन इन आवर केस आपको वही रिटर्न निकालना है CAPM वाला, क्योंकि RF RM वगैरह सारा दिया हुआ है। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर आप निकालने की कोशिश करोगे, फॉर्मूला इज RF प्लस बीटा इनटू RM माइनस RF, सब कुछ आपके पास है, बीटा आपका नहीं है, बीटा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगेन सेम चीज, आप अगर सॉल्यूशन को देखोगे तीनों क्वेश्चन में सेम फॉर्मूला यूज हुए, सेम टू सेम।
बीटा अगर आप बात करेंगे कोरिलेशन फॉर्मूला यूज करके आर एस एम इंडियन स्टैंडर्ड डेविएशन एस अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन एम और एवरीथिंग इज बीइंग प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन सब्स्टिट्यूट करें 0.75 आया बीटा को लेकर सब्स्टिट्यूट किया मेन फॉर्मूला में कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का जो फॉर्मूला है उसमें सब्स्टिट्यूट करने से 17.5% आ गया आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दैट्स इट ये आपका वो क्वेश्चन था जिसमें ये क्वेश्चन नंबर टू जो था अपना क्वेश्चन नंबर टू का सारे क्वेश्चंस थे सो इस वीडियो के साथ हमने एफएम के जो सीएस एग्जीक्यूटिव 2019 जून का जो एग्जाम था उसके जो पेपर थे पेपर में प्रैक्टिकल क्वेश्चन सारे हमने कर लिए इससे पहले अगर आपको कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सजेस्टेड आंसर्स चाहिए हों तो आप अपना जो मेरा जो अर्लियर वीडियोज है उसको आप रेफर कर सकते हैं वीडियोज का लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं प्लीज डू रेफर और ये वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे और आपको फिर से मैं रिमाइंड करवा देना चाहता हूँ प्लीज स्टे ट्यून टू माई चैनल क्योंकि आपका जो ऑनलाइन क्लासेस का जो मैंने प्रॉमिस किया हुआ था वो बहुत ही जल्द मैं आपके सामने लाने वाला हूँ और I hope that these informative videos जो भी मैं compile कर रहा हूँ आप लोगों के लिए it will be helpful for you. Thank you so much for watching my videos and please मैंने जैसे आपको पहले videos में भी बोले हैं please do comment. आपका comment मेरे लिए बहुत valuable है आप comment करेंगे तभी जाके मुझे आपका concerns पता हो सकता है in case of any irregularities, in case of any कॉम्प्लेक्सिटीज या कहीं पे कुछ आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं थैंक यू सो मच